आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं ये तैयारी आपको जीवन भर काम आने वाली है। वो कहते हैं ना कि जो संघर्ष की राह में चलता है वही सूर्य बनकर चमकता है, तो आप भी बिल्कुल सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं विचारों के साथ हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सीधा संबंध किससे है? तो देखिए, भारत में जो हमारा दिल्ली वाला क्षेत्र है वहाँ पर जब विदेशी आक्रमणकारी आकर बसे और उन्होंने जब उसे अपनी राजधानी बनाया संपूर्ण भारत की, तो उस समय उसी पूरे कालखंड को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में दिल्ली सल्तनत से क्या संबंधित है? सबसे पहले, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा भाग इससे संबंधित नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले। इसके साथ ही साथ में हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में किस किस आक्रमणकारी ने आक्रमण किए, साथ ही साथ में किसने किस चीज़ का निर्माण किया। यदि किसी ने कोई चीज़ बनवाई हो तो हम उसे पढ़ते चलेंगे। दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में मध्य प्रदेश में होने वाले आक्रमण, मध्य प्रदेश में चार शासकों ने आक्रमण किए। जो चार शासक हैं, महमूद गजनवी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी और इल्तुतमिश। देखिए, ये चार आक्रमणकर्ता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में आक्रमण किए। सबसे पहले आक्रमण जिसका हुआ वो था महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी ने 1019 ईस्वी के आसपास में ग्वालियर पर आक्रमण किया था। वहीं बात करते हैं जब जलालुद्दीन खिलजी, तो इसने मांडू को लूटा था। मोहम्मद गौरी की जब हम बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी जो है इन्होंने आक्रमण किया था ग्वालियर वाले क्षेत्र पर। इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले को लूटा था और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं महमूद गजनवी की, तो महमूद गजनवी ने ग्वालियर के किले को लूटा और ग्वालियर पूरा क्षेत्र महमूद गजनवी ने लूट लिया था। ये ग्वालियर का किला आपको दिखाई दे रहा है, इसे ही भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इसके बाद अगले शासक की बात करते हैं तो ये है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है इन्होंने मध्य प्रदेश में मांडू वाले क्षेत्र को जीता था और मांडू वाले क्षेत्र को पूरा लूटा, जो कि धार जिले के अंतर्गत आता है। अगले शासक की बात करते हैं तो ये है मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी ने उज्जैन वाले क्षेत्र को लूटा। इसके साथ ही साथ में इनका मध्य प्रदेश के शासकों के साथ युद्ध भी हुआ था। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को लूटा। इसने सबसे पहले ग्वालियर के किले को लूटा जो कि रत्न जड़ित किला था। ऐसा कहा जाता है कि ग्वालियर का किला जो था उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, साथ ही साथ में सोने की नक्काशी इस पे की गई थी, और इन सारी चीजों को आक्रमणकर्ता लूटने आते थे और इसे लूट कर यहां से लेके जा चुके हैं। इल्तुतमिश की बात करें तो इसने दूसरे में महाकालेश्वर मंदिर को लूटा, और महाकाल का जो मंदिर है यह उज्जैन में स्थित है, और मांडू का किला जो है वो ग्वालियर का किला जो है वो ग्वालियर जिले के अंतर्गत ही स्थित है। इस तरह अब मध्य प्रदेश में किस आक्रमणकर्ता ने क्या क्या चीजें बनवाई, हम जरा उन्हें भी देख लेते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है, जब इन्होंने मांडू को लूटा तो उस समय इन्होंने ग्वालियर के पास में एक विश्राम गृह का निर्माण करवाया, मतलब एक ठहरने के लिए एक स्थान बनाया कि अगर वो लूटने आ रहे हैं तो वो कहाँ पे रुकेंगे, तो एक दो दिन रुकने के लिए एक विश्राम गृह का निर्माण कराया जलालुद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक किले का निर्माण कराया जिस किले का नाम है धार का किला। और धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने क्यों निर्माण कराया? देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये जा रहा था देवगिरी, और देवगिरी जाने के कारण देवगिरी जाते समय बीच में पड़ता है धार, तो धार में रुकने के लिए इसने इस किले का निर्माण कराया जिसे धार का किला कहा जाता है। और धार का किला धार जिले के अंतर्गत आता है। इसके अंदर दो प्रमुख चीजें हैं, एक है कालिका मंदिर और दूसरा है खरबूजा महल। कालिका मंदिर जो है वो माता काली से संबंधित है, और जो खरबूजा महल है वो भी महत्वपूर्ण है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के तीन प्रमुख शासक जिन्होंने तीन चीजें बनवाई, अब इनमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये धार का किला है, और इसी धार के किले के अंदर ये खरबूजा महल स्थित है, और साथ ही साथ में हमारा कालिका मंदिर स्थित है। फिर बात कर लेते हैं मंदसौर का किला, ये है मंदसौर का किला, और मंदसौर के किले के अंदर ये भगवान शिव का मंदिर स्थित है, और इस मंदिर के पट अभी खोल दिए गए हैं। अगली साइड में चलते हैं, मध्य प्रदेश में तोमर वंश। देखिए, जैसे ही तोमर वंश की बात आती है ना, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मानसिंह तोमर का नाम जरूर आ रहा होगा। तो तोमर वंश की स्थापना वीर सिंह देव के द्वारा की गई थी।
निर्माण और कला, तोमर वंश के द्वारा किन किन चीजों का निर्माण किया गया? तो ग्वालियर में स्थित जो मान महल है, गुजरी महल है, वो दोनों सबसे ज्यादा तोमर वंश की उच्च कला का प्रतीक है। इसके अलावा बात करते हैं अन्य चीजों की। देखिए, अब शासक देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से शासक रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बनवाया। तो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है गुजरी महल। गुजरी महल की जब हम कहानी सुनते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, ये होता क्या है, एक राजा मानसिंह होते हैं, राजा मानसिंह तोमर वंश से संबंधित होते हैं, इनकी ऑलरेडी काफ़ी सारी बीवियां होती हैं। इसके बाद इन्हें एक लड़की से प्रेम होता है जिसका रियल नाम होता है निन्नी, जिसका संबंध होता है राई गांव से। राजा मानसिंह ना अक्सर ये करते थे कि वो साधारण प्रजा का वेश धरकर अपनी प्रजा में घुलना मिलना चाहते थे उनकी समस्याओं को जानने के लिए। और राजा मानसिंह जब एक गांव से गुजर रहे होते हैं तो वो जाते हैं एक राई गांव में, और राई गांव में उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही निडर और साहसी लड़की से, और वो साहसी लड़की होती है निन्नी। वो देखती है कि निन्नी ना अपने एक हाथ से वन भैंसे को उल्टा फेंक देती हैं, पलट कर, वो हमला कर रहा होता है तो उसे उल्टा पलट कर फेंक देती हैं। तो जब इतनी साहसी लड़की को देखते हैं तो उनका मन तुरंत उनके ऊपर मोहित हो जाता है और वो चाहते थे कि निन्नी से वो विवाह करें। तो निन्नी का ही वास्तविक नाम मृगनैनी है। राजा मानसिंह ने जब निन्नी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो निन्नी ने तीन शर्तें रखी। इन तीन शर्तों में जो सबसे प्रमुख शर्त थी वो ये थी कि निन्नी सदैव राई गांव का ही पानी पिएंगी। तो राई गांव का पानी पीने के लिए निन्नी के लिए राई गांव से एक पाइपलाइन बिछाएगी जो कि पूरी की पूरी गुजरी महल तक आती थी और यहां पर पानी का सप्लाई करती थी। इसके साथ ही साथ में निन्नी चाहती थी कि वो हमेशा राजा मानसिंह के साथ युद्ध में जाए, वो घर पर ना बैठी रहे और उनके लिए एक अलग महल बनवाया जाए। तो ग्वालियर का किला जो है, यहाँ पर सारी रानियां रहा करती थी और राजा मानसिंह का जो मान मंदिर पैलेस है वो भी यहाँ पर ही स्थित है। परंतु रानी निन्नी अर्थात रानी मृगनैनी के लिए राजा मानसिंह ने एक अलग से महल बनवाया जो कि जस्ट ग्वालियर के किले के नीचे स्थित है, जो कि इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे ही कहा जाता है गुजरी महल। एक चीज और आपको याद रखना है कि निन्नी जो थी वो गुर्जर समाज से भी संबंध रखती थी। इसके अलावा राजा मानसिंह ने जब ये गुजरी रानी का महल बनवाया था तो इस महल में पाइपलाइन बिछाई गई थी राई गांव से, और राजा मानसिंह और रानी मृगनैनी के प्रेम प्रसंग का वर्णन एक किताब में किया गया है, एक उपन्यास में किया गया है जिसका नाम है मृगनैनी, और ये उपन्यास लिखा था वृंदावाल लाल वर्मा जी के द्वारा। अब मृगनैनी का मतलब होता है बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर आंखों वाली, जिसकी आंखें बिल्कुल मृग की तरह हों। तोमर वंश के प्रमुख शासक, तोमर वंश के प्रमुख शासकों की बात करते हैं तो इसकी स्थापना वीर सिंह देव के द्वारा की गई। इसके अलावा कल्याणमल, देखिए कल्याणमल जो है ना ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं, मानसिंह तोमर जी के पिताजी रहे हैं। इसके अलावा इन्हें भूप मुनि के नाम से भी जाना जाता था, और भूप मुनि के अलावा कल्याणमल ने एक ग्रंथ लिखा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिसका नाम है सुमेलचित। इनके बेटे होते हैं राजा मानसिंह। राजा मानसिंह के बारे में हमने सारी बातें कर ली हैं। राजा मानसिंह के बाद जो इस वंश का अंतिम शासक आता है वो होता है विक्रमादित्य। तो इस वंश के अंतिम शासक रहे हैं राजा विक्रमादित्य। ये वो वाले विक्रमादित्य नहीं है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे। देखिए, ये है सुमेलचित ग्रंथ जो कि भूप मुनि के द्वारा या फिर राजा कल्याणमल के द्वारा लिखा गया। ये रहे राजा मानसिंह, ये रहा उनके द्वारा बनवाया गया गुजरी महल। ये है रानी मृगनैनी और ये है मृगनैनी उपन्यास जो कि वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया रानी मृगनैनी और मानसिंह के ऊपर। इसके अलावा रानी मृगनैनी जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ये फोटो में तो सिर्फ नॉर्मल एक इमेजिनेशन करके इन्हें बनाया गया है। मध्य प्रदेश में मुगल काल, देखिए दिल्ली सल्तनत हम देख चुके हैं, अब मध्य प्रदेश में किन मुगलों का संबंध रहा, किन किन मुगलों ने मध्य प्रदेश में आक्रमण किए। मुगलों का मतलब है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनसे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बाबर की तरफ। तो क्या बाबर ने मध्य प्रदेश में कुछ आक्रमण वगैरह किए? तो हाँ, बाबर ने मालवा के शासक मेदिनी राय को हराया था।
अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि मालवा के किस शासक को बाबर ने हराया था, तो वो था मेदिनी राय। इसके अलावा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर जो है वह मध्य प्रदेश का उज्जैन, अवंती और कालपी वाला क्षेत्र जीत चुका था। बाबर के बाद जो अगला शासक आता है वो होता है हुमायूं, लेकिन उसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाला अगला शासक है अकबर। अकबर की जब हम बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा क्रूर शासक माना जाता था। इसने मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगहों पे आक्रमण किए, जिसमें से दो आक्रमण इसके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जाने जाते हैं। जिसमें पहला आक्रमण जो इसने किया था वो था रानी दुर्गावती पर। रानी दुर्गावती के संबंध में हमने चीजें अभी नहीं पढ़ी हैं, हम पढ़ेंगे। रानी दुर्गावती गोंड वंश की शासिका थी, तो अकबर ने अपने एक सेनापति जिसका नाम था आशफ खां को पहुंचाकर मंडला और जबलपुर वाले क्षेत्र में रानी दुर्गावती पर हमला करवाया, और जिसमें तीन बार अकबर की हार हुई और चौथी बार में अकबर रानी दुर्गावती को हराने में विजित हुआ। और रानी दुर्गावती ने जैसे ही देखा कि उनकी मौत तय है और उनकी हार निश्चित है, तो उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली अपनी ही कटार से। तो इस प्रकार हम वीर रानी दुर्गावती की भी बात करने वाले हैं। वही अकबर जो है ये एक और ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में सदैव स्त्री के लिए सम्मान नहीं था, बल्कि केवल एक रोष की भावना रहा करती थी, एक लालच की भावना रहा करती थी। तो अकबर ने जैसे ही सुना कि एक और शासक है जो कि मालवा के क्षेत्र में रहते हैं, जिनका नाम है बाज बहादुर, तो बाज बहादुर की पत्नी है जिनका नाम है रूपमती। तो रानी रूपमती जैसा नाम वैसी ही गुणवान रानी थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, इसके साथ ही साथ में बहुत ही ज़्यादा संगीत कला की धनी थी। तो अकबर चाहते थे कि बाज बहादुर रानी रूपमती को इनके यहाँ पहुँचा दे। तो अकबर ने यहाँ पर भी आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में किया यह आक्रमण? तो यह आक्रमण हुआ था आदम खां के नेतृत्व में। अगले शासक की बात करते हैं जो कि मुगल वंश से आया, तो वो था हमारा जहांगीर। देखिए, जहांगीर का संबंध मध्य प्रदेश में मिलता है ओरछा साम्राज्य से। ओरछा में एक वंश था जिसे कहा जाता है बुंदेला वंश। बुंदेला वंश के एक शासक जिनका नाम था वीर सिंह देव बुंदेला जहांगीर के कृपा पात्र थे। इसके साथ ही साथ में ये जहांगीर के मित्र भी रहा करते थे। तो जहांगीर ने इनसे कहा कि आप अबुल फजल की हत्या कर दीजिए। तो वीर सिंह बुंदेला जी ने यहाँ पर जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की, जो कि ओरछा के सराय बराय क्षेत्र में की थी। इसके साथ ही साथ में वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए एक जहांगीर महल का निर्माण कराया, जो कि ओरछा में कराया गया था। ऐसा कहा जाता है, इनका ये कहना था कि वीर सिंह देव जी जो थे वो चाहते थे कि जहांगीर कभी ना कभी मध्य प्रदेश घूमने के लिए आए। बात करते हैं शाहजहां की, तो शाहजहां के नाम पर हमारे यहाँ का आज भी शाजापुर स्थित है, और शाजापुर जो है इसकी एक तहसील जिसका नाम है शुजालपुर, वो शाहजहां के बेटे शुजाल के नाम पर ही स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश में बुंदेला वंश की। बुंदेला वंश ये वही वंश है जिसका सीधा संबंध वीर सिंह देव के साथ में है। स्थापना इस वंश की थी रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जी के द्वारा। प्रमुख शासक पहले तो रुद्र प्रताप सिंह पहले शासक हुए, उसके बाद हम देखते हैं वीर सिंह देव, और महाराजा छत्रसाल जो है इस वंश के सबसे ज्यादा प्रतापी शासक रहे हैं। महाराजा छत्रसाल को ही बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता था, बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से भी जाना जाता था। तो महाराजा छत्रसाल जो है उनका संबंध भी सीधे सीधे जो है वो बुंदेला वंश से रहा है। इस वंश ने अपनी राजधानी ओरछा को बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक शासक आए जिनका नाम था विक्रमादित्य सिंह। इन्होंने अपनी राजधानी ओरछा से परिवर्तित करके टीकमगढ़ करी। तो ओरछा से राजधानी अब इनकी बदलकर हो गई है टीकमगढ़। प्रमुख शासकों में जो वीर सिंह देव है ये प्रमुख हो जाते हैं। वीर सिंह देव जो है इन्होंने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की, उसके बाद ओरछा में एक महल का निर्माण कराया जिसे जहांगीर महल कहा। इसके अलावा विशेष और कला क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जो पूरा वंश रहा है, इस वंश ने बहुत सारी चीजें हमें दी। अब हम इन चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ये वंश रहा है, तो मध्य प्रदेश के ये वाले टीकमगढ़, निवाड़ी ये वाले क्षेत्र में, सागर वाले क्षेत्र में बुंदेला वंश रहा है।
इस वंश की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, बिल्कुल क्लियर है। देखो वीर सिंह देव एक आ जाते हैं हमारे बुंदेल वंश में और एक आ जाते हैं वीर सिंह देव तोमर वंश में, जिसने तोमर वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार से हम जो ये सारी इमारतें देख रहे हैं, ये सारी इमारतें बुंदेलों के द्वारा बनवाई गई हैं और इन इमारतों में आप नक्काशी देख सकते हैं कि नक्काशी कितनी बारीक की गई है। ये है महाराजा छत्रसाल, जो कि बुंदेलखंड के शिवाजी भी कहलाते हैं, साथ ही साथ में इन्हें बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता था। महाराजा छत्रसाल और महाराणा प्रताप दोनों ही स्वाधीनता के बहुत बड़े सेनानी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में बघेलखंड, अब बघेलखंड कौन सा क्षेत्र है? रीवा पन्ना सीधी शिंगरौली वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है बघेलखंड का क्षेत्र। बघेलखंड की स्थापना किसने की? तो दो भाई रहे, एक का नाम था भीमल देव और दूसरे का नाम था बीसल देव। तो भीमल देव और बीसल देव के द्वारा बघेलखंड की स्थापना की गई। राजधानी क्या थी? देखिए इसकी दो राजधानी थी। पहली राजधानी जो थी वो थी बांधवगढ़ उमरिया और दूसरी राजधानी जो थी वो थी रीवा। इस वंश के प्रमुख शासकों की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रमुख शासक इस वंश में आए। देखिए बघेलखंड की बात कर रहे हैं तो बीसल देव और भीमल देव के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके बाद एक शासक आते हैं जिसका नाम होता है वीर भानु, फिर आते हैं राजा रामचंद्र देव, और जो ये राजा रामचंद्र देव है ये अकबर के समकालीन है। इसके साथ में आपको याद रखना है कि अकबर के दरबार से पहले तानसेन कहाँ थे, तो तानसेन इनके ही दरबार में थे, राजा रामचंद्र देव के दरबार में। इसके साथ ही साथ में तानसेन को तानसेन नाम राजा रामचंद्र देव ने ही दिया। तानसेन का रियल नाम था राम तनु पांडे। अनूप सिंह, फिर आते हैं रघुराज सिंह। रघुराज सिंह जो है इन्होंने किले का निर्माण करवाया है। कौन से किले का? गोविंदगढ़ के किले का निर्माण। फिर आते हैं राजा मार्तंड सिंह। राजा मार्तंड सिंह जो रहे हैं वो बघेलखंड के अंतिम शासक रहे और इन्होंने ही पहला सफेद बाघ देखा था, जिसे पकड़कर 19 सालों तक इन्होंने कैद करके रखा, जो कि गोविंदगढ़ के किले में इन्होंने कैद करके रखा, और जिसका नाम था मोहन। और उसी के बाद भारत में मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी खोला गया, जो कि मुकुंदपुर सतना जिले में खोला गया है। राजा रामचंद्र देव की बात करते हैं तो राजा रामचंद्र देव पहली चीज तो अकबर के समकालीन थे, आपको पता होना चाहिए। फिर राजा रामचंद्र देव के दरबार में ही तानसेन रहा करते थे। तानसेन का पूरा नाम राम तनु पांडे था और इन्हें जो ये नाम मिला तानसेन, ये राजा रामचंद्र देव ने ही दिया था। इसके अलावा रामचंद्र देव के दरबार में अकबर ने किसे पहुंचाकर तानसेन को बुलाया, तो वो था जलाल खां फोरची। तानसेन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो तानसेन के जो गुरु रहे हैं उनका नाम था मोहम्मद गौस, और इसके साथ ही साथ में एक और गुरु रहे हैं जिनका नाम था स्वामी हरिदास। राजा मार्तंड सिंह, इन्होंने पहला सफेद बाघ पकड़ा जिसका नाम मोहन था और इसे कैद करके गोविंदगढ़ के किले में कैद करके रखा 19 वर्षों तक, और उसके बाद इसे जैसे ही छोड़ा गया तो ये जो बाघ है ये यहाँ पर बाहर की परिस्थितियों में स्वयं को ढाल नहीं पाया, एडजस्ट नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश में गोड़वंश। गोड़वंश मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे याद रखना है, क्लियर चीजें होनी चाहिए। गोड़वंश जो है वह मुख्यतः किस क्षेत्र में? मध्य प्रदेश के सबसे पहली बात तो दक्षिणी क्षेत्र में है, इसके साथ ही साथ में पूर्वी क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में गोड़वंश बसा हुआ था, जो कि मंडला बालाघाट जबलपुर वाले क्षेत्र में था। गोड़वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए गोड़वंश की स्थापना जो है ना दो नाम सामने आते हैं, एक जो है वो यादव राव का नाम सामने आता है कि यादव राव के द्वारा की गई, और दूसरे आते हैं हमारे सबसे प्रतापी शासक जिनका नाम था संग्राम शाह मंडावी। गोड़वंश में संग्राम शाह मंडावी के समय में 52 गढ़ स्थित थे।
छोटे छोटे 52 गढ़ों का समूह था। इस कारण से इन्हें इनके सिक्कों में पुलत्सवंशी भी कहा गया है। इसी के साथ में हमको याद रखना है कि इनका मूल नाम आम्हड़दास था, आम्हड़दास, और इन्हें इनके सिक्कों में पुलत्सवंशी कहा गया है। अब हमने बात कर ली संग्राम शाह मडावी की। इस क्षेत्र की राजधानी क्या थी? तो इस क्षेत्र की राजधानी गढ़मंडला थी, गढ़मंडला, और इसे ही रामनगर भी कहा जाता है। प्रतापी शासक कौन कौन से रहे? सबसे पहले तो संग्राम शाह मडावी सबसे ज्यादा प्रतापी शासक रहे हैं। प्रतापी शासकों की बात करते हैं तो इस वंश में जो सबसे ज्यादा प्रतापी शासक रहे हैं वो स्वयं संग्राम शाह मडावी रहे हैं। इनके समय में 52 गढ़ स्थित थे। इन्हें इनके सिक्कों में पुलत्सवंशी कहा गया। इनका रियल नाम अमरदास था और इनके जस्ट बेटे थे, उनका नाम था दलपत राव। संग्राम शाह मडावी के बेटे थे दलपत राव, और दलपत राव का विवाह इन्होंने एक बहुत ही सुंदर और गुणी कन्या के साथ तय किया जिसका नाम था रानी दुर्गावती। दुर्गावती जो है वो गोड़ वंश की शासिका नहीं रही है, बल्कि रानी दुर्गावती जो है वो चंदेल वंश की शासिका रही है। इनके बारे में हम डिटेल देखेंगे। प्रतापी शासक तो संग्राम शाह मडावी इसके प्रतापी शासक रहे हैं, और फिर प्रतापी शासिका तो रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के बारे में डिटेल्स देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ? रानी दुर्गावती जी का जन्म यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, किस घर में हुआ था, किस वंश में हुआ था? तो वंश था इनका चंदेल वंश। पिता कौन थे? तो पिता का नाम था कीर्ति सिंह चंदेल, और इनके ससुर थे संग्राम शाह मडावी। पति का नाम था दलपत राव। इन्हें अपने पति से एक संतान की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था वीर नारायण। इनके सेनापति थे, सेनापति का नाम था आधार सिंह। इनका एक प्रिय हाथी था जिसका नाम था श्रवण। इसे श्रवण के साथ ही साथ में सरवन भी बुलाया जाता था। इनकी दासी थी, दासी का नाम था चेरी। देखिए खाने वाली चेरी नहीं बल्कि चेरी। रानी दुर्गावती ने 3 तालों का निर्माण कराया जिसमें से चेरी ताल, आधार ताल और श्रवण ताल और रानी ताल स्थित है। संग्राम ताल भी जबलपुर में बनवाया है रानी दुर्गावती के द्वारा ही। इसके अलावा हम बात करते हैं रानी दुर्गावती की। अब देखते हैं कि रानी दुर्गावती की डिटेल हमने देख ली। रानी दुर्गावती कहानी क्या है? सबसे पहले जो संग्राम शाह है, संग्राम शाह की मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के पश्चात इनका बेटा जो कि दलपत राव थे, दलपत राव बनते हैं राजा। और दलपत राव राजा जब बनते हैं तो अपने शासन के 7वें वर्ष, मतलब शासन करते हैं और 7वें वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के पश्चात में इस समय अकबर का शासनकाल चल रहा था भारत वाले क्षेत्र में, दिल्ली सल्तनत में। तो अकबर के शासनकाल के समय में रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण की अंग रक्षिका बन के नेतृत्व संभालती हैं और अपनी पूरी प्रजा को देखने लगती है, राज शासन अपने हाथ में लेती हैं। और तभी से रानी दुर्गावती शासन करना प्रारंभ करती है। रानी दुर्गावती के सौंदर्य और कुशल प्रशासन का वर्णन आईने अकबरी और तबकात ए अकबरी में भी मिलता है, ये दोनों किताबें हैं। इसके साथ ही साथ में रानी दुर्गावती के जो सेनापति थे जो कि विश्वसनीय थे उनका नाम था आधार सिंह। तो आधार सिंह का नाम हमने लिखा हुआ है। क्या होता है रानी दुर्गावती के बारे में? बाज बहादुर को पता चलता है सबसे पहले। तो बाज बहादुर रानी दुर्गावती के क्षेत्र को जीतना चाहता था, तो वो रानी दुर्गावती के ऊपर आक्रमण करता है। परंतु 3-4 बार विफल आक्रमण के पश्चात भी वो रानी दुर्गावती को नहीं जीत पाता, तो वो हार मान जाता है। और उसके बाद वो आगे रानी रूपमती से उसका विवाह होता है, तो वो उन सारी चीजों में मग्न हो जाता है और वो उन सारी चीजों में इन्वॉल्व होकर यहाँ पर सारी चीजें छोड़ देता है। फिर अगली बात आती है रानी दुर्गावती के बारे में पता चलता है अकबर को। तो अकबर ये सोचता है कि एक छोटी सी शासिका, एक छोटे से क्षेत्र की एक शासिका कैसे अपना एक अलग से राज्य चला सकती है। और दूसरी बात, अकबर ने रानी दुर्गावती से उनका सेनापति आधार सिंह, उनका सफेद हाथी श्रवण मांगा, तो रानी दुर्गावती ने साफ इनकार कर दिया। और इसके अलावा रानी दुर्गावती को पाने की चाहत भी अकबर के अंदर जन्म ले रही थी।
तो ये सब देखते हुए अकबर ने रानी दुर्गावती पर हमला किया। और अकबर ने किसके नेतृत्व में, तो आसफ खां के नेतृत्व पे रानी दुर्गावती पर 3 बार हमले किए, जिसमें से 2 बार अकबर को मुंह की खानी पड़ी, अकबर हार गया। और 3री बार जब रानी दुर्गावती को लगा कि अब हार निश्चित है, तो उन्होंने स्वयं की कटार से आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रानी दुर्गावती कभी भी किसी भी मुगल के हाथ नहीं लगी। तो रानी दुर्गावती ने अपनी मृत्यु को खुद ही आमंत्रण दे दिया और इसके बाद उन्होंने हत्या कर ली, अपनी स्वयं की आत्महत्या कर ली। मालवा के राजवंश, अब मालवा में कौन कौन से वंश रहे हैं आपको ये देखना है। मालवा कौन सा क्षेत्र है, इंदौर उज्जैन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 18 जिले आते हैं वर्तमान में। तो मालवा में कौन कौन से राजवंश रहे हैं, सबसे पहले इस वंश का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो इस क्षेत्र का पूरा नामकरण औलिकर वंश के द्वारा किया गया, जो कि मालव जनजाति की अधिकता पर किया गया, इस कारण मालव जनजाति के कारण इसका नाम मालवा रखा गया। शक्तिशाली वंश की बात करते हैं, इस वंश का, इस पूरे क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली वंश जो रहा है वो रहा है परमार वंश। और परमार वंश के राजा भोज के बारे में हमने पहले ही बात कर ली। राजा भोज जो कि विद्वान और गुड़ी शासक थे, इन्होंने भोपाल में भोजपुर का शिव मंदिर बनाया, भोजताल बनवाई, फिर धार में भोजशाला बनवाई जो कि संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी, फिर एक सरस्वती मंदिर बनवाया जो कि वाग्देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी प्रतिमा लंदन लेके चले गए हैं मेजन क्रिकेट, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है अब। मुस्लिम सत्ता की बात करते हैं, तो मालवा के क्षेत्र में मुस्लिम सत्ता की स्थापना दिलावर खां के द्वारा की गई थी। और जो दिलावर खां है ना, इनका ही बेटा रहा होशंग शाह गोरी, और होशंग शाह गोरी का मकबरा आज मध्य प्रदेश का ताजमहल कहलाता है। तो होशंग शाह गोरी जो है, इसके मकबरे को आज मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि होशंग शाह गोरी का जो मकबरा है वह भारत में निर्मित संगमरमर की पहली इमारत है। अंतिम शासक की बात करते हैं, तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था बाज बहादुर, जिसके बारे में हमने बात कर ली, जिसे मियां बयाजिद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। बाज बहादुर जो बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे, इनके ऊपर अकबर ने आक्रमण किया और ये अकबर से हार गए, और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी पत्नी रानी रूपमती भी आत्महत्या कर लेती हैं और दोनों की समाधि सारंगपुर पर स्थित है। इनकी लड़ाई अकबर के साथ सारंगपुर में ही हुई थी। इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश के राजवंशों को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम मध्य प्रदेश में आधुनिक राजवंशों को देखेंगे, जिसमें से हमें दिखाई देंगे भोपाल की बेगमें, सिंधिया राजवंश और ग्वालियर राजवंश। इसके बाद हम 1857 की क्रांति की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।